the social challenge the whole notion of social capital is centered on social relationship and its major elements include social networks civic engagements norms of democracy and generalized trust so broadly speaking it is defined as a collective asset इन द फॉर्म ऑफ शेयरड नॉर्म्स वैल्यूज़ बिलीफ ट्रस्ट नेटवर्क सोशल रिलेशनस एंड इंस्टीट्यूशनस डेट फेसिलटेड कोपरेशन एंड कुलेक्टिव एक्शन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट यानी सोशल कैपिटल हमारी जिंदगीों के इर्द गिर्द वो तमाम आस्पेक्ट जो हैं जिनमें हमारा कल्चर हमारी नॉम्स हमारे बिलीव्स हमारा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और फिर ख़ास तौर पर जो हमारा हमारी जो सोशल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ इन सब का अहाता करता है अच्छा जब सोशल कैपिटल का मतलब ही हमारा आपस में इंटरेक्शन है देन डेफिनेटली देर आर सम वेरियस डायमेंशंस दोज कैन चैलेंज दिस होल प्रोसेस बिकॉज देर आर वेरियस लेवल्स ऑफ मैयमेंट मैं आपसे किस बात पर खुश हो सकती हूँ आप मुझसे किस बात पर नाराज़ हो सकते हैं हम अच्छा भला ग्रुप में काम कर रहे हों आपके मेरे दोस्त अहबाब पहले बहुत खुश होते हैं अचानक ऑल ऑफ ए सडन किसी बात पर नाराज़ हो जाते हैं पता भी नहीं चलता ऐसे ही हम सोचते हैं देखते हैं और हमारे माशरे में भी हो रहा होता है कि भाई भाई जो हैं वो कारोबार के मामले पर एक दूसरे से उनका इख्तलाफ हो जाता है कभी वर्कर्स जो हैं वो अपने ओनर से नाराज़ हो जाते हैं ये सब प्रैक्टिस हैं जो हमारी सोशल लाइफ का हिस्सा हैं लेकिन जब हम ख़ुद को सोशल कैपिटल का पार्ट समझते हैं कंसिडर करते हैं कि हमारी कलेक्टिव एफर्ट क्यों रिक्वायर्ड है क्योंकि उससे हमारी हालत ने बेहतर होना है तो उस कलेक्टिव इंटरेस्ट को जो चैलेंजेस आते हैं वो भी इसी प्रोसेस का पार्ट होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन चैलेंजेस का अहाता करें और हम समझें कि इन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कैसे मैयर किया जा सकता है तभी उसका कोई सोलूशन जो है वो निकाला जा सकता है अब ये चैलेंजेस जो सोशल चैलेंजेस आते ही हैं टाइम्स दे आर एट इंडिविजुअल लेवल एंड टाइम्स दे आर एट कलेक्टिव लेवल कभी कभी मजमू तौर पर ही सूरत हाल ख़राब हो जाती है उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं तो इन सारे एलिमेंट्स को समझना जो है इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट सो वी कैन कैटेगराइज दीज चैलेंज लाइक दैट द फेल टू एक्सप्लेन इकनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आउटकम्स कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को यह लगता है कि सूरत हाल जो है वो इकनॉमिक ग्रोथ स्पेसिफिकली वो ज़्यादा है लेकिन बेनिफिट कुछ कम लोगों तक पहुंच रहा है कभी कभी ये नज़र आता है कि जो दावा किया जा रहा है इकनॉमिक ग्रोथ का जितनी एफर्ट पुट हो रही है उससे रिलेटेड रिजल्ट नहीं आ रहा तो उससे जो आपस में मिसट्रस्ट क्रिएट होता है दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट क्योंकि कुछ लोग बहुत सा काम कर रहे होते हैं कुछ टेक्नीशियंस होते हैं कुछ वर्कर्स होते हैं लेकिन कुछ लोग एक्सपर्ट्स होते हैं तो वो आपस में जब मिसट्रस्ट क्रिएट होता है तो डेफिनेटली उसका आउटकम ये होता है कि पूरा प्रोसेस जो है वो सफ़र करता है फिर एक और इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो क्रिएट होता है वो ये है दैट देर इज़ टाइम अनप्रेसिडेंटेड इकनॉमिक ग्रोथ बट दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल यानी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है यानी उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं कभी तो यूँ लगता है कि प्रोसेस बहुत स्मूथली चल रहा है और उसका अल्टीमेटली बेनिफिट होगा बट ऑल ऑफ ए सडन फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है रिवर्स हो जाती है अब इस सिचुएशन के साथ भी आपस में जो कम्युनिकेशन uh, का गैप आता है जो ट्रस्ट एलिमेंट जो डेफिसिट होता है वो भी मैटर करता है लेकिन अल्टीमेटली समटाइम्स ये सिचुएशन ऐसी होती है जिसकी वजह से पूरे का पूरा इन्वामेंट डैमेज हो जाता है आपस में लोग दोबारा काम करने के लिए उनको कन्विंस करना उनको कम्युनिकेट करना वो बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है दैट अकाउंट सोशल वैल्यू सिस्टम्स इन इकनॉमिक डेवलपमेंट कि क्या आपका जो सोशल सिस्टम है जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो और आपका जो इकनॉमिक सिस्टम है क्या उनके दरम्यान को कोई को रिलेशनशिप है मसलन बाज़ जगहों पर बाज़ लोग जो हैं वो किसी भी तरह के काम को अपने लिए अपने इज्जत के मुताबिक नहीं समझते स्पेसिफ़िकली इन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ लोगों को चाहिए है कि उनका कुछ स्टेटस हो वो उसमें कुछ कामों को अपने मुताबिक नहीं समझते जैसे हमारे यहाँ के माशरों के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि अगर बच्चा पढ़ लिख गया है तो उसे कोई ऑफिस जॉब चाहिए वो मेहनत वाले काम जो हैं जहाँ पर के अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है फॉर एक्स्ट्रा बर्डन्स उसमें टेक्निकल ड्यूटीज़ भी होती हैं उसके अंदर लेबर वर्क भी होता है तो ऐसे माशरे जहाँ सोशल वैल्यूज़ और इकनॉमिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मैच नहीं करती तो वहाँ पर बहुत सारे सोशल चैलेंजेस जो हैं वो क्रिएट होते हैं देन वोकिा स्पेसिफिकली ही क्रिटिसाइज दैट इकोनॉमिस्ट नॉर्मली मेक सिंप्लीफाइंग एजम्पन्स डेट ह्यूमन बींगज आर रैशनल एंड देयर यूटिलिटी मैक्माइजिंग बिहेवियर इज इन वेरियंट एक्रॉस सोसाइटीज़ पोकिमा ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिजम किया है कि हर मुआरे के तकाजे फ़र्क होते हैं एक सिंगल स्टैंडर्ड क्राइटीरिया हर मुआरे पर अप्लाई नहीं किया जा सकता और यही सोशल कैपिटल के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है के कोई एक फॉर्मूला हर माशरे के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता हर माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है सोशल स्टैंडर्ड्स की सोशल रिक्वायरमेंट्स की उसके मुताबिक सोशल कैपिटल के अंदर ये मार्जिन होना चाहिए कि वो सोसाइटी टू सोसाइटी रिक्वायरमेंट्स को लोगों की नॉर्म्स और वैल्यूज़ को मीट कर सके